आप शूट कर रहे थे मेरे साथ और आपने देखा है कि ये ट्रू पीस नहीं है गाइस, गाइस थोड़ा नीचे कर, चेहरा भी दिखना पड़ता है। चलो रोल ओके रेडी ओके। आप मेरे साथ थे और आपने देखा ये ट्रू पीस नहीं है और एक बहुत थिन लाइन होती है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। ये हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं कि मेरा रोल नहीं है तो आप लोग को बुलाने के लिए हमने कुछ भी किया। जी नहीं, मेरा रोल है मूवी में। आई एम प्लेइंग ए वेरी बोल्ड गर्ल हु इज़ फ्रॉम दिल्ली और एक ये अच्छा तरीका था आप सबको बुलाने के लिए, न्यू ईयर विश करने के लिए राज सरू से आप सबको इन्विटेशन की। दिस इज़ द वे वी आर कमिंग इन न्यू ईयर्स 2012 जनवरी 13th साढ़े आठ रिलीज़ हो रही है और राज सरू वी आर लाइक वी जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट द न्यू ईयर विद अ बैंग। Yes, Arun sir. Absolutely. So we just got together. This is my this is Karan who's playing Samir. This is Kunal. He's also one of the actor. Tarun sir who's the producer. Gautam who's also the producer and Bhaumik. So we have just doing this not out of anything, but we're doing this because it demands the whole thing and we just wanted to start with the न्यू ईयर विद द बैंग। दैट्स इट सर। अब तक साढ़े आठ है कि जितने हमने प्रमोशंस देखे कॉलेज में थे काफी साफ सुथरे थे, मतलब आज का भी साफ सुथरा था लेकिन आज का बड़ा बोल्ड टाइप था, तो क्या फिल्म को इस लेवल पे प्रमोट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बूम नीचे ले, चेहरा दिखा अपना, उधर ऑडियो है, साउंड प्लीज। वी वांटेड टू वेलकम 2012 थ्रू साढ़े आठ। We wanted to welcome 2012 with Saada Adda and we just wanted to think of something interesting and different. So I think intention wohi hai, nothing more than that. Yeah. And one more thing is that there's nothing better than lady luck, especially when you have something like this. And I am like obliged that, and also that I think my half of my cast, we are not there. I don't know where everybody is, but we are really thankful for Raj Saru to give us this platform. मैं ये बार बार बोलती हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नो नोबडी टचेस न्यू कमर्स नाउडेज, नोबडी, एंड दे हैव टेकन दिस यू नो ग्रेट रिस्क एंड इफ वी कैन डू दिस मच फॉर हिम एंड फॉर राज सरू आई थिंक दैट विल बी लाइक कितना करे उतना कम ही होगा। इट्स गोना पे ऑफ वेल बोथ वेज। एग्जैक्टली, एंड यू विल सी व्हेन यू विल कम टू द थिएटर्स एंड व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज साढ़े आठ ऑल अबाउट। 13 जनवरी इट इज, सो डोंट मिस द डेट, डोंट मिस साढ़े आठ द बॉयज। 13 January. Exactly. The boys, they are the boys, the girls, the team. Yes. And it's going to be a good movie. Yeah, because we all rock.
Absolutely. Yes. तो क्या इस फिल्म में भी आप कुछ ऐसे ही वेशभूषा में नजर आएंगी जैसे आपने फोटो शूट किया? उसके लिए आपको आना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा. ये तो आपको झलक थी. आपको देखना पड़ेगा कि श्रेया जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो कौन है, क्या है, कहाँ से हेल करती है, मौज़म बेग ने कैसे लिखी है, राज सर ने कैसे प्रेजेंट किया है एक एक कैरेक्टर को, मतलब चाहे वो समीर हो, चाहे वो इरफान हो, कबीर हो, चाहे वो श्रेया हो, तो आप देखेंगे कि क्या हम क्या हैं. बट उसके लिए आप लोग को आना पड़ेगा. व्हाट यू से बॉमिक, जब तक आप जाएंगे नहीं फिल्म देखने तब तक आपको पता नहीं चलेगा. आज की शूट तो हो गई पर उसके आगे क्या है वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा. तो 13 जनवरी इज द डेट, आप जाएं फिल्म देखें तभी उसके बारे में हम सब आपको उसके बाद बताएंगे कि क्या आज था और क्या उस दिन है. क्या फिल्म में भी कुछ ऐसी थीम है, क्या बिकनी विकनी कोई थीम है इसलिए आपने इस पे का मतलब अब सवाल निकाल के रहेंगे? वही हम बोल रहे हैं कि ये जो see it in the film and see for yourself. It's definitely a young entertaining film, at the same time driven with a lot of inspiration, rather inspiring moments. Yeah. So I think it's a very positive film with a very good entertainment value and fabulous energy. And also मैं add करना चाहूँगी, जब आप बार बार बोल रहे हैं कि ये बिकनी शूट था या बोल्ड था, एक मैंने मेरी करियर की शुरुआत किंग फिशर स्विमसूट कैलेंडर से की है. सो देर इज डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन हाउ एंड यू प्रेजेंट योर सेल्फ. सो अगर आप देखेंगे तो हमारा आपने जो शूट किया है इट्स डन वेरी नाइसली एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ऑब्वियसली वी नॉट गोइंग टू पुट यू नो आर करियर्स और द फिल्म ऑन स्टेज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज डिमांड्स समथिंग लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन. So it makes sense for us and I hope it makes sense for you guys also. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Thanks. Don't miss it. 13 Jan. Thank you guys.